हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मेरी दर्शक फैन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं खड़ा हूँ जी इस टाइम रॉयल एनफील्ड की एजेंसी के बाहर, सर्विस सेंटर के बाहर। एक्चुअली मैं अपना बाइक लेके आया था रैम्बो को, हिमालयन को, यहाँ पे ठीक करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग अब मोटो ब्लॉगिंग करने वाले हैं काफ़ी एक साल बाद। लास्ट जर्नी जो हमारी हुई थी वो केदारनाथ की हुई थी, और जो बाइक में दिक्कतें आ रही हैं मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ जो दिक्कतें आ रही, ताकि आप भी समझ सको कि आने वाले टाइम में अगर आपके पास हिमालयन है तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। बारिश में खड़ी थी, फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ है 9000 रुपये का, 9000 का फ्यूल फिल्टर, और एक सिलेंडर है वो 1800-1900 रुपये का वो, और बाकी ये देखो हमारे बाइक का जो तेल था वो भी सड़ चुका है, इसलिए ये बाइक एक और मंगवाई है। पहले इसमें तेल डलवाया, इससे हम बॉटल से निकाल रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट बॉटल में देते नहीं हैं, तो इसे बहुत है। आ जा, ये देखो कितने सारे बाइक्स खड़े हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। मिट्टी और भी आया है, 650 वहाँ पे खड़ा, उसका प्राइस 4 लाख रुपये है। जूम इन करके दिखाओ वो वाला, ये है जी रॉयल एनफील्ड का मिटियोर 650, नया आया 4 लाख का है, और ये 350 है, ये तो पुराना ही मॉडल है, ये आया जी, ये थोड़ा बल्कि सा है, मसल बाइक सा लगता है थोड़ा, 4 लाख रुपए। तो मैं अभी आपको एक और चीज़ भी दिखाने वाला हूँ जो कि है पुराने रॉयल एनफील्ड का जो स्टैंडर्ड आता है बुलेट 350, जो सबसे फेवरेट बाइक है लोगों का, इंडिया में तो है ही है, बाहर भी है काफ़ी लोगों का, जो 350 मेन बाइक है रॉयल एनफील्ड का। ये नया मॉडल खड़ा बिल्कुल नहीं, पहले मैं आपको पुराना दिखाऊंगा, ये देखो बिल्कुल पुराना मॉडल है इसका, जो पहले आता था 350, ठीक है आप देख लो इसको ध्यान से, आपने देखा ही होगा, और ये हो गया जी पुराना, बिल्कुल नया वाला देखो, ये रिसेंटली लॉन्च है, ये रिसेंटली लॉन्च है, इसकी टेल लाइट देखो बिल्कुल चेंज है, थोड़ा सा मॉडर्न सा टच दे दिया इसको, और शॉकर शूकर आगे से भी थोड़ा इसकी जो टंकी है चौड़ी है, मीटर भी चेंज है देखो इसका टोटली, यहाँ पे डिजिटल सा दे दिया, उसमें नहीं था ये, हाँ ये भी ठीक है जी, इग्निशन का है तो स्टार्ट का, हाँ ये भी चेंज है इसके, ये भी चेंज है सारा, ही दोनों साइड, हाँ शेप भी चेंज ही है इसकी बिल्कुल, सीट देख फर्क है बहुत, पूरा ही फर्क है, और फ्रंट से लाइट देख इसकी, ये सब देखो, हाँ ये वाला देखा, ये देखो फ्रंट से बिल्कुल चेंज है इसकी, लाइट लुइट सी जैसे भी है, तो ये लेटेस्ट आया जो अब चौड़ा सा, और पुराना देखिए पुराना ऐसा था, नया ऐसा है, यहाँ से शेप, बाकी हमें तो पुराने से ज़्यादा वो है प्यार। तुम्हारे को कौन सा पसंद आ रहा है, पुराना है नया, ओल्ड इज गोल्ड, और बाकी यहाँ सारे नए बाइक खड़े हैं, और इधर वो सारे खड़े हैं जिनकी सर्विसिंग होनी है अभी, और हमारा बाइक दिखाते हैं आपको नया होने वाला है कि नहीं, अभी वॉशिंग भी होगी इसकी, तो उसके दर्शन कराते हैं आपको। ये देखो टंकी इसकी, ये कैसे हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, खतरनाक ही हुआ। ये मास्टर सिलेंडर है जी पुराना, इसके अंदर जंग लगी थी, इसकी वजह से हमारा टायर नहीं घूम रहा था, अब ये नया लगाया है देखो, ये नया फिट हो रहा है, ये मास्टर सिलेंडर है, 1900 रुपये का है, ये देखो ये 1950 रुपये का है मास्टर सिलेंडर। इसकी वजह से क्या होता, अगर चलते चलते 100 की स्पीड पे बाइक जाम भी हो सकता था टायर, जिसकी वजह से हम एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, और ये चेंज हुआ है यहाँ पे देखो, नया लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारी बाइक में फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ है जो 9000 रुपये का है, 9000 रुपये का है, इमेजिन पूरे साल की सर्विस होती मेरी 9000 में। कहाँ पे भैया फ्यूल फिल्टर, ये दुनिया। हाँ ये फ्यूल फिल्टर नया लगा है, हमारी टंकी है देखो, ये पूरी अंदर से जंग लग गई थी, इसको तेल पड़ा था इसमें, नया चेंज हुआ है 9000 का, यहाँ फिट हुएगी। उसके अलावा इसका जो एयर फिल्टर वगैरह वो चेंज हुआ है, तेल ऑयल वगैरह चेंज हुआ है, और तो क्या हुआ है इसमें, बाकी ये इसके जो शॉकर हैं ये दोनों, इसमें ऑयल लीक है, ये चल जाएगा अभी नेक्स्ट ट्रिप से पहले इसको हम डलवाएंगे, उससे पहले ठीक है। देखो ऑयल इसका शॉकर का, इसमें टाइम लगेगा, टाइम की कमी है अभी, 5:00-6:00 बंद हो जाना, इसलिए नेक्स्ट टाइम शॉकर का करवाएंगे काम, जो मेन काम था सर्विसिंग का, अब हम कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ इसका एक लॉक सेट है वो भी प्रॉब्लम दे रहा है, वो भी हम देखेंगे बाहर से हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो भी 2000 रुपये का, यहाँ पे उसमें सीट का लॉक है, टंकी का लॉक है, और मेन जो बाइक का लॉक है, तीनों उसी में इंक्लूडेड है। हमारा ये भी लॉक जो है ना वो जाम हो चुका है, ये लगता नहीं है, इसको खुलता नहीं है चाबी, इसमें प्रॉब्लम है, खुल ही नहीं रहा है, तो देखो हाँ ये रहा, जिसको 2-3 बज लगा के देखते हैं, चल बड़ी वैसे सही है, ये भी जाम हो रखी थी, फिलहाल चल रही है, मेरे ख्याल से इसकी चाबी चेंज करवा लेंगे, एक चाबी और बनवा लेंगे, अगर टूट गई ना तो दूसरी स्पेयर होनी चाहिए। बाकी ये सारा सर्विस सेंटर है, देखो कितने बाइक्स हो रहे हैं यहाँ पर, ये रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड खड़ा। पर गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, ये जितनी भी फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक है ना, इनको अगर चलाते रहो तो सही है, मैंने इस पर कपड़ा भी डाल के रखा था, कपड़ा कोई ना कोई उठा लेता है हमेशा, और उसकी वजह से अंदर पानी चला गया टंकी में, और वो जर लग गई, और हमारा फ्यूल ख़राब हो गया उसमें, फ्यूल पंप था जो, अब इसको चलाएंगे और राइड पे
जल्दी जाएंगे, राइड आपको बताऊंगा कहाँ की। फिलहाल चलते हैं अंदर, पूरी बाइक रेडी करवाते हैं। आज से तू मेरा कैमरा मैन है, हमें ऑफर आया है कि यहाँ पे कि अपनी बाइक छोड़ के आप ये लेके जा सकते हो। हालांकि ये 3.5 लाख की है, फिर भी हम माने नहीं, हम अपने बाइक की तरफ ट्रू है। इसलिए कोई भी अपनी बाइक हो उसको अपने जान से ज़्यादा, फैमिली मेम्बर से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। वो हमारे लिए फैमिली मेम्बर है, हम इसको ठुकराते हैं इसी वक्त यहाँ पर, हमारे लिए एक रिस्पेक्ट। हमें अपनी बाइक प्यारी है जो अभी इस टाइम धोई जा रही है। जूम इन करके देखिए आप, वो जब पूरी प्रॉपर हो गया कि फिर दिखाएंगे आपको लिस्ट कोरे मार दी। इससे पहले हम बिल करवा के आपको बिल दिखाते हैं कितना हुआ है, हमारी कितनी फटैक होने वाली है। ये देखो जी बिल 13,378 रुपये, और पीछे बाइक दिखा दें आपको, रंगत बदल गई ना इसकी। जब आए थे तब कैसी थी, जब इसको लेके जा रहे हैं हाथ सिंगार करा के इसका ब्यूटी पार्लर से, जैसे नमी भी आई दुल्हन होती है वैसे बना दिया हमने। अब इसको मेंटेन रखेंगे क्योंकि अब काफ़ी राइड्स हैं जो मोटो ब्लॉगिंग होने वाली है। जो नेक्स्ट राइड होगी वो नेक्स्ट राइड भी बताऊंगा कहाँ की होगी। बाकी ये बिल है, जो जो पार्ट्स चेंज हुए मैंने आपको दिखाया, ठीक है। बाकी वापस चलते हैं, थोड़ी सी इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। वहाँ जाके ब्लॉग को एंड करेंगे, रिव्यू देंगे आपको कि कैसा था। तो फाइनली बाइक लेके हम एजेंसी से आ तो गए थे 2 दिन पहले, लेकिन अरे चलते चलते तो हमने आपको रिव्यू देना ठीक नहीं समझा उस टाइम, क्योंकि थोड़े मिट्टी गट्टे में आए थे और रात भी हो गई थी। जैसे कि आप देख सकते हो पॉलिश पुलिस बच के बाइक पूरी शाइन कर रही है इस टाइम। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, इस पर हम पैनियर्स लगाएंगे, एक बॉक्स यहाँ पे और एक टॉप बॉक्स यहाँ पे, और उसके बाद सीधा राइड पे निकल जाएंगे। बाकी सही हो गया, इतने पैसे लगा के 13,500-14,000 रुपये लग गए। उसके अलावा अभी और भी काम बाकी है, इसमें टैंक बैग लगना है, ठीक है, इसकी सीट चेंज होनी है, ठीक है, और नकल गार्ड्स लगने हैं, और इसकी हेडलाइट चेंज होनी है। हेडलाइट की लाइट काफ़ी कम है, तो काफ़ी टाइम रात को ट्रैवल करते हैं तो रिस्की हो जाता है। रिस्की इन द सेंस कि ऐसा हो जाता है कि सामने से कोई आ रहा हो, ट्रक ट्रक या कुछ भी, उनको लगना चाहिए कि हाँ सामने से भी गाड़ी आ रही है, ठीक है। और अपनी विजिबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, व्लॉग में भी क्लैरिटी आती है उसकी। सीट इसलिए ज़रूरी है ताकि बैक पेन ना हो, लंबी राइड्स होती हैं 400-400 किलोमीटर की, तो अगर बैक चलेगी एक बारी तो फिर क्या राइड करनी है ना। तो नकल गार्ड इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो तो ये चीज़ प्रोटेक्ट रहे, टूटे ना हाथ। और चौथी चीज़ क्या थी, टैंक बैग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो आप बार बार हाथ में पकड़ के फ़ोन, बारिश आती है, कुछ होता है, डायरेक्शंस हमें पता नहीं होती, यहाँ की लोकल तो पता ही है। किस नई जगह जा रहे हैं तो उसमें देख सकते हैं कि इसका फ़ोन आ रहा है, किसी को भी इमरजेंसी वगैरह, तो चारों इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी ऐड ऑन करते रहेंगे। बाकी ब्लॉग पसंद आया, वीडियो पसंद आई है, हिमालयन के रिव्यू की, जो बीमार पड़ा था उसको हमने फिर से तंदुरुस्त बनाया, पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना वीडियो को। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू हिट द बेल आइकन, और नोटिफिकेशन मिलेंगी आपको वीडियोज़ की जल्दी। बाकी मिलते हैं किसी और ब्लॉग में जल्दी, राइड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और सीरीज़ आएगी डलहौज़ी वाली, वो भी देखना, बड़ा मज़ा आएगा आपको डलहौज़ी की टूरिस्ट प्लेसेस। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।